अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपनी ही ज़िंदगियों को अपने ही हाथों से ख़राब करते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम माली शिकार बनते जा रहे हैं, जिनकी वजह से हम रज़क में तंगी हमारे होती चली जा रही है, जिनकी वजह से हमारे घरों में हमारे दिमागों में लड़ाई झगड़े बस गए हैं और बहुत ज़्यादा फड्डे फसाद शुरू रहते हैं। हर वक्त घर में एक वीरानियत छाई रहती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हम फरिश्तों की रहमत से महरूम हो चुके हैं। हमारे घर में अगर तस्वीर लगी है तो फरिश्ते नहीं आते। अगर हमारे घर में कोई जानवर है, कुत्ता पाला है हमने, तो फरिश्ते नहीं आते। अगर हम सो रहे हैं, पैसे इधर उधर रखे हैं, तो फरिश्ते नहीं आते। यानी कोई भी जानदार इंसान की तस्वीर हमारे घर में अगर है तो फरिश्ते हमारे घर में नहीं आएंगे। जब फरिश्ते ही नहीं आएंगे तो उन घरों में क्या होगा, उन लोगों के अंदर क्या होगा? उनके अंदर सिर्फ शैतान बस जाएगा और शैतान तो हमसे बुरे ही काम करवाना चाहता है, हमारी ज़िंदगियों को बर्बाद करना चाहता है, हमारे रिज़क को ख़त्म करना चाहता है। शैतान हमारी ज़िंदगियों को बेहतर बनता देख ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में तस्वीर नहीं लगाएं ताकि हम हमारे घर में फरिश्ते आएँ, फरिश्तों अल्लाह के तकवे पे चलें ताकि हमारे घर में फरिश्ते आएँ। फजर की नमाज़ पढ़ने से अल्लाह के दो फरिश्ते हमारे घर में दाखिल होते हैं और वो रिज़क लेके आते हैं। लेकिन हम ये मामूली सी बात समझते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं नॉर्मल सी बात है। नहीं, यही सच है, यही सच है। जो नमाज़ पढ़ता है फजर की, वो ख़ुद आज़मा के देख ले, 10 दिन 15 दिन हमें ख़ुद पता लगना शुरू हो जाएगा कि ये बात वाकई ही सच है। हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाएगा अगर हम फजर की नमाज़ पढ़ लेंगे उठ के। तो फरिश्ते जब हमारे घरों में आना शुरू हो जाएंगे, अब देखें फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह के नूर से बने हैं। आप फरिश्ते किन घरों में दाखिल होते हैं? जहाँ पे नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, जहाँ कुरान की तिलावत होती है, जहाँ अल्लाह के तकवे पे चला जाता है, अल्लाह के रूल्स को फॉलो किया जाता है। फरिश्ते कभी भी ऐसी जगह नहीं आएंगे जहाँ मोबाइल चल रहे हों, गाने चल रहे हों, डांस हो रहा हो, लड़ाई झगड़े हो रहे हों, बेहयाई हो रही हो। ऐसे घरों में कभी फरिश्ते नहीं आते, वहाँ सिर्फ शैतान ही बस सकते हैं। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो हमें अल्लाह के बताए हुए उसूलों पे चलना पड़ेगा। बाकी अल्लाह पाक अगर हमारे मसले मसाइल, अगर अल्लाह हमें परेशानियां देते हैं और अल्लाह हमें मसले मसाइल देते हैं तो वो अल्लाह की रज़ा से होते हैं, अल्लाह की खैर होती है इन चीज़ों में। ये सब कुछ हम कर रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, अल्लाह के तकवे पर भी चल रहे हैं और गुनाह भी करना हमने छोड़ दिए, फिर भी हमारे साथ मसले मसाइल हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से होते हैं। लेकिन हमें अपना काम तो पूरा करना है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए ख़ुद से ही ये सारी चीज़ें करनी है कि अल्लाह को, अल्लाह के तकवे पे चलना है। अगर हम अपनी ही सेफ्टी खुद तोड़ देंगे, अपने घर के ताले खुद खोल के अगर सो जाए हम, तो बताएं चोर तो खुद ही घुस जाएगा ना हमारे घर में। तो इसी तरह जब हम शैतानियत वाले काम करेंगे ना, तो हमारे ज़िंदगियों में शैतान घुस जाता है और वो ज़िंदगियों को तबाह करता है। तो इसीलिए सुकून वाली ज़िंदगी अगर हम चाहते हैं कि हमारी गुजरे, तो हमें अपने घरों से ये सारी चीज़ों को भगा देना है। तस्वीर का हमें ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा हम समझते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं, लोग आएंगे हमारी तारीफ़ करेंगे और हम तस्वीर लगा देते हैं बड़ी बड़ी। नहीं, ये सब गलत है। तस्वीर लगाना चाहिए ही नहीं, कोई भी जानदार इंसान की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए घरों में। यहाँ तक कि एक हदीस में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से नहीं मिले। अब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और बाहर खड़े हो गए तो नबी पाक ने कहा, अरे जिब्राइल तुम अंदर नहीं आए? तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं नबी पाक, आपके पलंग के नीचे कुत्ता है जिसकी वजह से मैं अंदर नहीं आ सकता। तो अल्लाह ने फरिश्तों के अंदर ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बार बार अल्लाह पाक बताते होंगे। नहीं, अल्लाह पाक ने एक चीज़ बता दी कि भाई मलकन मौत का ये काम है, रिज़क देने वाला फरिश्ता अलग है, जो नमाज़ पढ़ते हैं उनके साथ जो फरिश्ता रहता है वो अलग है, कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ते हुए जो फरिश्ते नाजिल होते हैं वो अलग होते हैं। तो हर किसी का अलग अलग काम है। तो हम क्या कहते हैं, हर फरिश्ते से महरूम होते चले जाते हैं। तो इसीलिए मुझे और आपको अल्लाह पाक तौफीक दे के हम अल्लाह के करीब होते चले जाएँ और अपने अपनी ज़िंदगियों में देखें कि हम कहीं गलती तो नहीं करते, कहीं हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक तो नहीं कर रहे जिनकी वजह से हमारी लाइफ ख़राब होती चली जा रही है। अल्लाह हाफ़िज़।